वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ फर्स्ट टाइम और बहुत खुश हूँ। आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, वहाँ के लोगों से मिलूँगी और बहुत मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। तो वहाँ पर जाकर और लोगों के देखूँगी कितना अच्छा लगेगा मिल के उन लोगों से और वो लोग कितना खुश होते हैं, सबके एक्सप्रेशन वगैरह कैप्चर करूँगी। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मैंने दोनों बैग भी पैक कर लिए हैं। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों मेरे बैग हैं, एक और है। और अभी कैब आने वाली है, कैब बुक कर दी है क्योंकि 1 बजे से हमारी ट्रेन है। और रास्ते में जितने भी मोमेंट होंगे वो हम सारे कैप्चर करके आपको दिखाएंगे और हो सकेगा तो मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अगर नेट वेट की प्रॉब्लम हुई तो कुछ दिन लेट हो सकता है, बट आप बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि मेरे जैसे आप अब तक मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो। पैक पैक करके निकलने लगे। ये देखिए ये जा रहे हैं सामान लेके। हम जाने इनकी हालत खराब हो गई। ये गेट नंबर उस पे जाना पाड़गंज वाले पे। फाइनली हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, अब हम रेलवे स्टेशन के लिए उतर रहे हैं। निकालो, ये देखो न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए हैं। हाय, बहुत धूप हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। हमारा कोविड रेलवे स्टेशन पे घुसते ही हमारा कोविड का टेस्ट हो रहा है। हालत खराब कर दी तुमने। वेट कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा बैग अकेले मैं उठा के लाया हूँ। 3 बैग हैं, 2 एक ये है, ये है और एक ये लैपटॉप वाला है। टोटल मिला के कम से कम 80 किलो वजन होगा बस। और ये पता क्या ले गई अपने साथ में, बस ये इतना भारी सामान बस। नहीं, इसमें मेरे भगवान जी हैं। बस इतना भारी सामान ले गई है और ये सारा मैं अकेले। बाप रे बाप, घर तक का सफर कैसे तय होगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ हालत खराब हो जाएगी। इतना भारी सामान लेके बैठी है, मुझे तरस आ रहा है। दिक्कत हो रही है ना बहुत ज़्यादा। सही कह रही हो, क्या बात है। दोस्तों हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, ये मेरे हस्बैंड है, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं। ये क्या हुआ, आ जाओ अंदर, पेपर शूट ले लो। यहाँ भी सब लोग बैठे हुए हैं। Oh,
ए हो काय ना खयान पुटा खयली काय चाची चाची को ले आ के न दुना है देखो दिनेश तनी हल्लू है कदो हाय मैं अपने खेत में मक्का पू रहा हूं क्या लगाने के लिए ये मेरा भाई है और खेतों में हम मक्का तोड़ने आए हैं। और अभी हम लोग जो बैठे हैं ना इस पर बैठे हैं। पानी इतना आ गया और बाढ़ आ गई। तो दोस्तों शाम का समय है यहाँ पे और हमारे घर पे एक शादी थी जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। इस समय मैं अपने पापा के साथ और ये जो सामने चल रहा है मेरा भतीजा है इसके साथ हम लोग नदी किनारे आए हुए हैं। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बाढ़ का पानी आ रहा है तो चलते हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पानी बाढ़ का कैसे आता है। सामने इधर बाढ़ का पानी आया हुआ है वहाँ पे ये लोग खड़े होकर देख रहे हैं। सामने गाय कुछ पशु खेतों में से चढ़ के आ रहे हैं। गांव का यही नज़ारा है और वो जो सामने खड़े हैं वो मेरे चाचा हैं वो मेरे पापा वो मेरा भतीजा। अब दोस्तों ये खेत जो हैं हमारे भैया के हैं उन्होंने इसमें शक्लगंदी खेती की है स्वीट पोटैटो और बारिश वारिश में धूप से बचने के लिए उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ी भी बनाई हुई है। बारिश का जो पानी आया भी इधर की तरफ आ चुका है। यहाँ अगर आप यहाँ से थोड़ा इधर जाओगे देखो शक्लगंदी इसी खेती की गई है यहाँ पर। और यहाँ लौकी है बारिश का पानी यहाँ तक पहुँच गया सॉरी ये बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँच गया। ये जो नाला है बराबर में पूरा भर चुका है और इसके बाद पानी इधर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये खेत इन लोगों के हैं।